घमंडी गुलाब। एक समय की बात है, वसंत का मौसम आने पर एक बाग में एक गुलाब का फूल खिला। गुलाब के फूल की सुंदरता देखकर पास ही उगे एक पेड़ ने कहा, कितना सुंदर फूल है, काश मेरे ऊपर भी ऐसे फूल होते। अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर गुलाब को बहुत ही घमंड हो गया। इस बाग में तो बस मैं ही सबसे सुंदर फूल हूँ, सब बस मेरी ही सुंदरता को देखते हैं। ये बात सुनकर सूरजमुखी ने बोला, ऐसा नहीं है, यहाँ सभी फूल और पौधे सुंदर हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, अब इस कैक्टस को ही देख लो, इसको कौन सुंदर कहेगा, ये तो पूरा कांटों से भरा हुआ है। अरे कांटे तो तुम्हारे पर भी है, फिर तुम कैक्टस की बुराई कैसे कर सकते हो। तुम क्या जानो सुंदरता क्या होती है, मेरी और कैक्टस की कोई तुलना नहीं है। काश मैं यहाँ से हिल सकता तो कभी इसके जैसे दिखने वाले पौधे के पास खड़ा भी नहीं होता। अपनी सुंदरता का इतना घमंड अच्छा नहीं है। ऐसे ही गुलाब अक्सर कैक्टस का अपमान करता रहता था। मेरा तो इसकी ओर देखने का मन भी नहीं करता, कोई इसको यहाँ से हटा क्यों नहीं देता। पर कैक्टस कभी भी गुलाब की बात का बुरा नहीं मानता था। समय बीता और वसंत का मौसम चला गया और गर्मियां आ गई। बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई तो चारों ओर सूखा पड़ गया। गुलाब भी पानी की कमी से मुरझाने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि एक चिड़िया आई और कैक्टस पर बैठ गई। उसने अपनी चोंच से कैक्टस पर एक छोटा सा छेद किया और चोंच उसमें डाल दी। ये चिड़िया क्या कर रही है? ये कैक्टस के अंदर इकट्ठा पानी से अपनी प्यास बुझा रही है। कैक्टस के अंदर पानी? हाँ, कैक्टस के गद्देदार तने में पानी इकट्ठा होता है, इसलिए बारिश न होने पर भी कैक्टस जिंदा रह सकता है। पर क्या चिड़िया के पानी पीने से कैक्टस को दर्द नहीं होता? होता तो है, पर उसको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। तुम चाहो तो तुम भी थोड़ा पानी मांग सकते हो, कैक्टस कभी मना नहीं करेगा। गुलाब ने शर्माते हुए कैक्टस से थोड़ा पानी मांगा। कैक्टस मुस्कुराकर उसकी मदद को तैयार हो गया। कैक्टस के कहने पर चिड़िया ने थोड़ा सा पानी कैक्टस से लेकर गुलाब को दे दिया। गुलाब की प्यास बुझ गई। गुलाब को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने कैक्टस से माफी मांगी। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। मन में अच्छी भावना रखना शरीर की सुंदरता से ज्यादा जरूरी है।